इंडिया में इस बार मुक्ति है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला, मैंने यही बताया, वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। मैं हूं अली और हम लेके आए मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू वीडियो, जो कि होने वाली है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रेट्स के हवाले से। कंपैरिजन होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक इंडियन ब्लॉगर है जो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो वो उन्होंने कवर किया है वेजिटेबल्स और हमारी सब्जियों के रेट बता रहे हैं जी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जितने भी रेट हैं कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा लंबा ब्लॉग है। चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, यू नेवर मिस एनी रिएक्शन। अब काफी डिटेल में उन्होंने सारे मार्केट को कवर किए, देखते हैं आप भी साथ रहे एंड तक और फिर अपना ओपिनियन देते हैं। इंडिया में इस बार मुक्ति है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला, मैंने यही बताया, वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। प्याज बाला 1200 रुपए दीजिए, प्याज बाला 1200, आलू 250 रुपए दीजिए। आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर भाई। जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा, थोड़ी सी बुरी भी है। ये भी अफगानिस्तान। मैं हूँ जनाब अभी गुजरांवाला पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की 5वीं लार्जेस्ट सिटी है। गुजरांवाला ये पाकिस्तान के पंजाब में आता है। तो अभी पंजाब में ये मैं एक फ्रूट मार्केट में हूँ। एक्चुअल में आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 साल से क्राइसिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, अभी तक भी गवर्नमेंट नहीं बनी है, कोई भी रिजल्ट नहीं है चल रहे। मैं एक फ्रूट मार्केट वेजिटेबल मार्केट में आया हूँ और यहाँ पे फ्रूट मार्केट के प्राइस, यहाँ पे फ्रूट्स के प्राइस, यहाँ पे वेजिटेबल्स के प्राइस क्या चल रहे हैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों तरीके से, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। फ्रूट मंडी के बाहर आप इन लोगों को देख सकते हो, ये सारे बेचारे मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और फ्रूट्स को बाहर जिसको ले जाना होता है तो वो सब लोग ये करते हैं। ये फ्रूट्स को कहाँ लेके जाते हैं? मंडी से लेके आते हैं बाहर, अड्डों पे लेके जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टोकरी उठा के ये लाई है, ये बाहर अड्डे पे मीन स्टॉक करते हैं फिर बाहर से बेचते हैं। अभी मंडी के अंदर एंट्री करते हैं। अरे भाई साहब, भी हो गई है मेरी फ्रूट मंडी में एंट्री, तो अभी लोगों से बातें भी करेंगे और फ्रूट्स के और वेजिटेबल के प्राइस भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या नाम है इस फ्रूट का? बेर, बेर, बेर। ये कैसे है किलो? श्री भाई का सुनिए, बेला नहीं आया भाई, हाल है क्या है? 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। ओके, मेरी जो वीडियो चल रही है भाई, 100 रुपए 150 रुपए किलो है। सॉरी भाई, अभी ये सारा का सारा बैर का है भाई। अभी आप रश देख सकते हैं, कितना ज्यादा रश है। भैया ये आपके हैं, ये कैसे किलो देते हैं आप? भाई दर्जन देते हैं, 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये दर्जन, 12 पीस 80 रुपये के। यार ये तो बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे माल्टा है नहीं? ये भाई 80 रुपये के 12 मिलते हैं, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे ऐसा ही है? बढ़िया बढ़िया। भाई
लाल माल्टा जी लाल माल्टा है रेड ब्रेड अच्छा अच्छा ये है जी ये लाल माल्टा है ये कैसे देते हैं आप किलो किलो ने एक पल्ली है जी 1000 का है 80 पीस इसमें 80 पीस है इसमें तो ये 1000 की है अरे भाई साहब ये जो पूरा इन्होंने बना के रखा हुआ है इसमें बोल रहे हैं 1000 की 80 पीस होते हैं इसमें ठीक है जी ओके हो गया जी पाकिस्तान में ना जब बात हो जाती है कंप्लीट हो जाती है उसमें बोलते हैं ओके हो गया जी सही हो गया जी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सही हो गया जी क्या हाल चाल है लेकिन ये कैसे है ये भाई ये 500 लगेगा ये 500 का पूरा 500 ओके ओके हो गया जी बढ़िया भाई थोड़ा इधर करो हाँ तो माल्टे तो क्राइसिस में भी सस्ते हैं ज़्यादा महंगे नहीं है मेरे हिसाब से तो सस्ते हैं आपके आपके हिसाब से क्या है ज़रूर बताइएगा ये कैसे है किलो ये पेटी 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 कैसे है ये 800 की 800 की किलो पेटी सारी पूरी पेटी ओके हो गया जी सही हो गया ये है भाई साहब 800 की किलो पेटी काम कैसा चल रहा है गुजारा ये मठा ही गुजारा ज़्यादा अच्छा नहीं है चलो अच्छा हो जाएगा अच्छा यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ के आपको सेब दिख रहे हैं यहाँ पे और पापा जी अस्सलाम वालेकुम इनका सबका रेट भी अलग अलग से है हाँ जी भाई आपके पास वो जो सामने है उसका रेट क्या है 800 का 5 800 के 5 ये किलो कितना किलो 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 के हिसाब से नहीं देते क्या 160 रुपये के जी 160 रुपये किलो ये रेड वाला ये खराब है ये तो महंगा होगा ये तो ज़बरदस्त दिख रहा है ये भी गोल्डन एप्पल है जी ये कितने का है 200 रुपये किलो ये उससे भी बढ़िया है ये कितने का है ये 200 रुपये किलो अच्छा ये सारे 200 रुपये किलो और ये सारे गोल्डन एप्पल हैं जी ओके हो गया जी और वो जो सामने है वो बोला काला कुल्लू काला कुल्लू काला कुल्लू ये कितने पे कितने का है 300 रुपये ओके तो ये भाई साहब 300 का है जी चलो शुक्रिया पाजी गफार मुसाफिर 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 हाँ अच्छा वो जो पैक माल्टे थे उनका रेट मैंने आपको बताया ये खुले माल्टे हैं और ये पूरी पेटी देते हैं इसमें तो अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप ये माल्टे कैसे हैं आप के जी के किलो के हिसाब से देते हैं पेटी के हिसाब से तो पेटी कैसे देते हो ये 1000 1050 1100 ये रेट चलता है कम ये रेट चल रहा है तो ये जो लोग आके बेचते हैं वो किलो के हिसाब से बेचते हैं वो दर्जन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से दर्जन कैसे है 300 रुपया 350 रुपये के दर्जन के हिसाब से अच्छा लेकिन ये क्वालिटी आपके पास अच्छी क्वालिटी है ना अच्छी क्वालिटी वाले हैं ओके सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़ भाजी इधर ना किए खरबूजा हाँ जी है कितने का किलो है पाजी 200 रुपया किलो चलो ओके हो गया जी रेट काट है अच्छे वाला ना अच्छे वाला वो वाला 200 रुपये इसका कितना है इसका 150 इसका 150 है बिकने वाला वाले ओके बहुत हरा है अच्छा ये नहीं बिकने वाला जो थोड़ा सा पीला हो जाता है वो बिकता है ना बिक जाता है ओके तो इन सब के अलग अलग रेट होंगे अलग अलग रेट इसका कितना है 800 रुपये तरी जी है ओके 750 रुपये तरी जी है ओके 700 रुपये ओके सर थैंक यू पेटी किन्ने दी है पेटी 2000 रुपये की पेटी ले आती है 2000 की खरबूजा किन्ना 10 किलो 11 किलो किसे 11.5-12 जिन्हें जो 3-4 किलो हरा भी निकलता 2 किलो वेखो ओके हाँ जी हरा भी निकल जाता है हरा भी 3-4 को आप वो आरती वापस नहीं लेता वापस नहीं लेता वापस नहीं लेता जो हरा निकलता है फिर उसको क्या करते हो आप उसको अखबार में रख के ना दूसरे तीसरे दिन फिर बेच देते हैं घट वध रेट करके ओके चलो ऑल द बेस्ट तो वो था जी छोटे वाला खरबूजा और ये है पपीता पपीता है पाजी जी जी हाँ जी इसका क्या रेट है पपीता है यहाँ पे 250-200 ये है 250 जनाब और ये है 200 टॉप क्वालिटी में 250 मिलते हैं हाँ जी 200 ये वाला है भाई 200 आप भी अपनी कंट्री में बताते रहिए अपने शहर में बताते रहिए कि आपकी कंट्री में फ्रूट्स के रेट क्या चल रहे हैं ज़रूर बताइएगा माल्टा मेरे हिसाब से कुछ हद तक सस्ता है माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज़्यादा दिखे मुझे
चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी, ठीक हैं आप? आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपये किलो। वो वाला 150 रुपये किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज़्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी, ठीक हैं आप? आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपये किलो। वो वाला 150 रुपये किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। फिर उसके बाद है ये हमें बनाना भी मिल गया है। बनाना तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन फिर भी भाई से पूछ लेते हैं। 150 रुपये टॉप क्वालिटी का कितने का होगा? वो 200 रुपये। 200 रुपया दर्जन? बढ़िया बढ़िया जी, टॉप क्वालिटी। ओके, अब दर्जन के हिसाब से बेचते हो किलो के हिसाब से बेचते हो? दर्जन के हिसाब से। ओके, मैं जब छोटा था तब हम दर्जन के हिसाब से लेते थे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से किलो के हिसाब से मिलते हैं। इंडिया में भी? इंडिया में मिलते हैं ना। यार मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, इंडिया में मिलते हैं। आके खुलती है लोगों की। पाकिस्तान तो इंडिया की नहीं। आलू भी लेना है यार। पाकिस्तान की चीज है, इंडिया का अलग ही तो लगे। पाकिस्तान नहीं है। मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ आपको कुछ है। आप कह रहे हैं इंडिया में इस बात होती है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला कि वहाँ पे किलो के हिसाब से देते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देते हैं। जब भी करो अपने मुल्क की बात करो, हम इस मुल्क के पसीने हैं। बाहर की बात, हम पाकिस्तान इसीलिए कामयाब नहीं है, बाहर की बात करके अपनी बात करते। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ भाजी। मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। जब मौजूद हो वहाँ की बात करो। हाँ तो यहाँ का ही बता रहा हूँ भाई। मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई। आप सारे गुस्सा हो गए यार। चलो सॉरी, मेरे से कोई गलती हुई है तो। अस्सलाम वालेकुम, बढ़िया। तो ये है भाई हमारे पास अनार। 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो, चलो सही हो गया जी। 400 रुपये का किलो है ये अनार। सारी क्वालिटी का 400 रुपये किलो है। हाँ जी। और ये 500 रुपये किलो। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये। 500 रुपये किलो ये है भाई साहब। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। बाकी सेब का रेट है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखी वहाँ पे, वो लास्ट पे है कीवी। कीवी, कीवी कैसे है? 800 रुपये का एक डिब्बा। 800 रुपये का एक डब्बा। एक डब्बा। ओके, अच्छा ये है जी अंगूर। ऐसी टॉप क्वालिटी का तो मुझे नहीं लग रहा है। डेढ़ तो दे रहे हो। फिर भी हो जाएगा ये तो ठीक है। ये कैसे दे रही है? ये कैसे है ये भाई? 800 रुपये किलो। ये 750 रुपये। ये 750। ये 800। ये भाई साहब 750। ओके हो गया जी, थैंक यू सर। और ये रहा 800। ओके, कैसे है भाई? नारियल पीस के हिसाब से देते ना? कैसे एक पीस देते? 300 रुपये का एक 400। एक 300 का, एक 400 का। 300 वाला क्या छोटा होता है? 300 छोटा, 400 वाला फुल बड़ा। अच्छा, ये भाई छोटे वाला 300 का और बड़े वाला 400 का। ओके सर, ओके हो गया जी, थैंक यू। ये अनार मैं देख सकता हूँ? देख सकता हूँ? ये अनार की क्वालिटी है जो पहली बार देख लेनी है। टॉप क्वालिटी। क्या नाम है इसका? इसका बदाना अनार, बी से बगैर होता है। बदाना अनार इसको बोलते हैं। बी से बगैर होता है। बीज के बगैर होता है ये। इसको सुखाया जाता है? कुदरती सूख जाता है। कुदरती सूख जाता है। तो क्या रेट है इसका? इसका 4500 रुपये पेटी का। 4500 रुपये ये पूरी पेटी। इसमें कितने पीस होते हैं? इसे पीस नहीं होते, इसका वजन होता है 7-8 किलो, 7.5 किलो। ओके सर, थैंक यू। कितनी जगह पहुंचे? मैं आया हूँ इंडिया से। इंडिया कश्मीर से। कश्मीर से? हाँ। बैठो 10 मिनट। हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो ये फ्रूट्स हैं जो ये यहाँ के नहीं है? ये कहाँ से आते हैं सर? आपने अफगानिस्तान से बताया ना। अफगानिस्तान से पिशावर में आता है और फिर पिशावर से यहाँ पे आता है। ओके, ये सारे फ्रूट्स मैक्सिमम? ओके, थैंक यू सर। चलो थैंक यू। अच्छा ये भी बढ़िया है जी। ये भी अफगानिस्तान से? हाँ जी, ये भी उधर गई है।
ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। इसके ऊपर VIP लिखा हुआ है। तो ये है भाई इस साइड केले की मंडी सारी, आप देखेंगे पूरे के पूरे केले यहाँ पे ले जाए जा रहे हैं। ये देखिए भाई काटने की स्कीम बढ़िया है, बढ़िया है। इसको काट के अभी ये कहाँ ले जा रहे हैं? बेचना ले जाके। अच्छा ये आप अपने लिए ले रहे हो? नहीं अपने लिए ही, बाहर सेट के मजदूरी कर रहे हैं, कहीं केला ले सकते हैं नहीं, बाहर केला खाने। अच्छा हाय, ये क्या है? सुहाग। अच्छा सुहाग है ये। एक एक पीस देते हो? एक पीस कितने का? 20 का। अच्छा ये भाई मसवाक है, जैसे टूथब्रश की जगह जो यूज करते हैं ना। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। मंडी का सर्वे करने आए आप? हाँ देखने आए हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में यही है बस, महंगाई है, थोड़ा सा अच्छा काम हो जाए। अच्छा जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा थोड़ी सी बुरी भी है, बुरी इसलिए महंगाई है। अच्छा अच्छी इसलिए हम खुश रहते हैं बस यही। हाँ खुश रहना अच्छी बात है, खुश रहे ठीक है, बढ़िया है, खुश रहना अच्छी बात है। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। साल में भी रखे अल्लाह पाक खुश करे। आमीन आमीन आमीन। पाकिस्तान वाले जो प्राइसेस थे वो इंडिया तक उन्होंने पहुँचाए, बीच में ये भी दिखा दिया उन्होंने ना, मिर्च मसाला ये बोल दिया मुझे, और वो भी अजीब सा उन्होंने बिहेवियर किया, जो थे फूड और वेजिटेबल वाले वेंडर्स वो इस तरह का बिल्कुल भी बिहेवियर जो है अच्छा नहीं होता। आपके कंट्री में कोई आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट और इज्जत देनी चाहिए, हमेशा वेलकम करना चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।